जी जनाब, आपने टच किया है फिजिकल मेंटल हेल्थ चैनल को। मैं हूं शबीर सामतिया, मोटिवेशनल स्पीकर। यकीनन आपका ये फैसला आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपके रवैयों को बदल देगा। आज हम बात करते हैं अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल के बारे में। जी जनाब, मर्द और औरत ज़िंदगी के दो पहिए हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं। इनको बराबर चलते रहना चाहिए। अगर इनमें से कुछ पहिया जो है वो सही वर्क ना करे, बराबर ना चले, तो ज़िंदगी की गाड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। शादी करते वक्त आप जब एक दूसरे को इजाबत कबूल कर रहे होते हैं, मौलवी साहब करा रहा होता है, या आप निकाह के वक्त जो है ना एक दूसरे को कबूल कर रहे होते हैं, आप उस एक पार्टनर की, एक बाउस की सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां कबूल नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को अच्छाइयों और खामियों के साथ ही कबूल किया जाता है। इसमें जितनी खूबियां हैं मुझे ये भी कबूल हैं, और इसमें जितनी खामियां हैं मुझे ये भी कबूल है, एक बात। दूसरी, दोनों फैमिलियां, यानी एक दो आदमियों का रिश्ता नहीं होता, बल्कि दो खानदानों का आपस में रिश्ता होता है। तो देखने में ये बात आई है कि वो शादी जो खुशी खुशी बड़ी मोहब्बत और चाहत के साथ वकूअ पज़ीर होती है, वो बाद में तलखियों का शिकार हो जाती है। बाद में वही शादी परेशानी का सबब बन जाती है, ना सिर्फ लड़की लड़के के लिए, बल्कि दोनों के वालदैन के लिए भी, दोनों की बिरादरी के लिए भी। अब सोचने वाली ये बात है कि खराबी कहाँ आ रही है। दोस्तों, आपने ये बात देखी होगी कि लड़की और लड़का दो मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ घरानों में उन्होंने परवरिश पाई है। हर घर का माहौल, हर घर की आदात, हर घर के रवैये, हर घर की आदात मुख्तलिफ होती हैं। हर घर की सोसाइटी, माहौल, उनका जो है ना तर्ज ज़िंदगी मुख्तलिफ होता है। दूसरे घर के आदात, रवैये, उनकी घर का माहौल जो है ना, ये मुख्तलिफ होते हैं। जब दो मुख्तलिफ आदतों, मुख्तलिफ रवैयों, मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ माहौल के, मुख्तलिफ घर के बच्चे दो आपस में इकट्ठे होते हैं, तो वो दोनों ये चाहते हैं, जो उनके जहन में बना हुआ एक जहनी सांचा होता है, वो दूसरे को चाहते हैं कि वो इसमें ढल जाए। मर्द चाहता है कि लड़की जो है ना वो मेरे जहनी सांचे में, बने हुए सांचे में ढल जाए, जो मैंने खुद अपने जहन में तख्लीक किया है। लड़की चाहती है कि मर्द जो है, जो मैंने जहनी सांचा बनाया है आदात और रवैयों और माहौल का, ये उसमें ढल जाए। दोनों एक दूसरे को कम्पीट करना चाहते होते हैं, जिसकी वजह से घर में उलझने पैदा होती हैं। फिर ये मैदान जंग बन जाता है। ये मसला वालदैन, दोनों वालदैन के लिए परेशानी का सबब बनता है, बल्कि दोनों बिरादरियों के लिए भी। तो इसका बेहतरीन हल जो है, ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए जिनकी अभी शादी हुई है, या जिनकी शादी होने वाली है, या जिनके यहाँ ये मसाइल हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, इसमें उनको गाइड मिलेगी। पहली बात तो ये है कि हमें एक दूसरे के आदात, रवैयों और उनकी जो है ना रस्म व रिवाज को कबूल करना होगा, एक दूसरे का एहतराम करना होगा। हम दूसरे को चेंज करने के बजाय खुद अपने में कुछ तब्दीली पैदा करें। मर्द को चाहिए कि वो कुछ अपने अंदर तब्दीली पैदा करे, कुछ लचक पैदा करे। औरत को भी चाहिए कि वो कुछ लचक पैदा करे। और जब ये ड्यूटी, ये अज़वाजी बंधन शुरू होता है, तो उसमें एक नई जिम्मेदारी दोनों पे आयद होती है। मर्द पे जिम्मेदारी होती है कि अब इस लड़की के तमाम अखराजात, तमाम ज़रूरियात, रूहानी, जिस्मानी, खुराक की, वो मैंने पूरी करनी है, वो मर्द के ज़िम्मे होती है, उसने वो पूरी करनी होती है तमाम लवाजमात। वो जब इन
अपनी इस फ़राइज से, अपनी इन ड्यूटीज़ से कोताही बरतता है तो माहौल ख़राब हो जाता है, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह औरत ने भी ये मुआहदा किया होता है, ये एक्सेप्ट किया होता है कि मैं इस मर्द को कबूल कर रही हूँ, तो उसने उस मर्द के घर में जाके वो तमाम ड्यूटीज़ करनी होती हैं जो औरत के ज़िम्मे होती हैं। उसने मर्द की खुशी, मर्द की सुकून, मर्द के लिए जो है ना खाना, उसके आराम का ख्याल रखना होता है, उसके जज्बाती ताल्लुकात का ख्याल रखना होता है, उसकी जज्बाती ज़रूरियात का ख्याल रखना होता है, उसकी अजवाजी ज़रूरियात का ख्याल रखना होता है। ये दोनों लोग इंतहाई खलूस मोहब्बत और एहतराम के साथ अपनी अपनी ड्यूटी सही तरीके से अदा करें तो अजवाजी ज़िंदगी शानदार हो जाती है। वरना दोनों ख़ानदानों के लिए, दोनों बिरादरियों के लिए, लड़की लड़के के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये मसाइल पैदा होना फितरी अमल है, क्यों कि दोनों मुख्तलिफ घरों से आए हैं, मुख्तलिफ माहौल से आए हैं, मुख्तलिफ सोसाइटियों से आए हैं, मुख्तलिफ आदात और रवैये लेकर आए हैं, मुख्तलिफ सोच लेकर आए हैं, फिर इनका एक साथ जो है ना बयक वक्त जो है ना एक दूसरे में जो वो गुड़मुड़ होना नामुमकिन सी बात है। इसके लिए दोनों को एक दूसरे के आदात, रवैयों और सोच का एहतराम करना होगा। ये रिश्ता मोहब्बत एहतराम से ही कायम रह सकता है, एक दूसरे को समझने और दूसरे से ड्यूटी का मुतालबा ना करें, खुद अपने ज़िम्मे जो ड्यूटी है वो अदा करें। देखें कि मेरे ज़िम्मे कौन कौन से फ़रज़ हैं, मर्द अपनी ड्यूटीज़ पूरी करे, औरत अपनी ड्यूटीज़ अपने फ़रज़ पूरे करे, तो इंशाअल्लाह ताला ये ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। इस टॉपिक पे आप मज़ीद बात जो है ना अगली वीडियो में हम करेंगे, अभी यहाँ ब्रेक लगाते हैं। इस वीडियो को इस जो शादी के हवाले से हम आज से एक सीरीज़ वीडियो की शुरू कर रहे हैं, इसको ज़रूर देखिए इंशाअल्लाह।